रिकॉर्डिंग का ऑप्शन वही जूम देता है क्या? हाँ, और भी टूल्स हैं, ओके उसमें भी आता है, जैसे वेबएक्स में भी आता है, और ये गो टू मीटिंग, बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें हाँ आता बहुत है। है। तो मैं पहले वेबएक्स भी यूज करता था, अभी भी कोई कोई किसी किसी मीटिंग के लिए वेबएक्स करता हूँ। तो बट समटाइम्स उसमें एक दो हाँ प्रॉब्लम्स आए, तो फिर मैंने अभी जूम पे चेंज किया था। देर आर सम इंडियन टूल्स ऑल्सो विच आर डेवलप्ड रिसेंटली, से नमस्ते। तो से नमस्ते जो है नमस्ते। वो भी अच्छा है, बट से ओके नमस्ते में रिकॉर्डिंग नहीं है, तो रिकॉर्डिंग के लिए यू हैव टू यूज सम अदर टूल ऑल्सो अलॉन्ग विद इट। बट अदरवाइज से नमस्ते इज गुड फॉर कॉन्फ्रेंस, स्क्रीन शेयरिंग एंड एवरीथिंग, इट इज गुड अप टू 50 पीपल। आत्मनिर्भर। क्या बोल रहे हैं अरुण जी? कुछ नहीं महोदय, नथिंग नथिंग, और भी सेम संस्कृत नथिंग। ये नीला महोदय फॉर नथिंग, कदाचित नथिंग, कदाचित नास्ति या केचन कदाचित। नास्ति, तो कुछ नहीं उसके लिए वैसा बोलना पड़ेगा। तो कुछ इज कश्चित, नथिंग, कुछ नहीं। ओके अस्तु महोदय, कदाचित नास्ति। महोदय हाँ, ओके अस्तु महोदय, करो शेयर। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स, ओनली टू। क्या ओके नथिंग महोदय, वो पार्टिसिपेंट्स है ना, हम दो ही है इसलिए देख रहा ओ हाँ था। और भी लोग हैं पर नहीं आ रहे हैं इसलिए। हाँ एटलीस्ट अभी तो नहीं है। कल नॉर्मली चारुलता जी आती हैं, पर आज इस वीकेंड पे पता नहीं उनको भी क्या हुआ, नहीं तो वो तो बिल्कुल रेगुलर हैं, हमेशा आती हैं। हो सकता है उनका एक एग्जाम होने, एक परीक्षा होने वाली थी, तो हो सकता है कि वो हो अभी वीकेंड पे। अस्तु उनका गीता गीता पाठ का परीक्षा थी कुछ, वो ओ गीता पाठ भी अस्तु करती महोदय। हैं, तो उसके लिए हो सकता है। हाँ महोदय, मैं भी रजिस्टर किया हूँ महोदय, उस लर्न गीता है ना इस्कान का। हाँ हाँ उसमें आपने लिंक दिया था, उसमें जाके ज्वाइन होगा, ऐड कर गुड। चुके हैं। तो अभी स्टार्ट किया है, आई कुडंट हाउ इज इट, मतलब इसका क्या सीख रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? मार्च 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके 7 PM to 8 PM। एवरीडे मे बी एवरी डे आई थिंक गुरुजी। अस्तु अस्तु ओके सो प्रथम ओमकार, ओंकार, ओ तो महादेव, अपनी आंखें आप बंद कर सकते हैं और महादेव, हम पहले ओंकार करेंगे 1 मिनट तक। महादेव। ओम
अभी आंखें खोल सकते हैं। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम ओंकार कर रहे हैं तो वो जो अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों से वो स्वर का उच्चारण होता है, वो ध्वनि निकलती है, उस पे हाँ उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो जब भी हम ओम कर रहे हैं तो जब अ हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि कहाँ से आवाज आ रही है, ऊ में कहाँ पे आ गई, में कहाँ पे आ गई, ऐसे सिर्फ उसके हाँ ऊपर थोड़ी देर, एक ध्यान मिनट के लिए रखना हम ध्यान देना है कि वो किधर जा रहे हैं। ध्यान रखना अस्तु महोदय। तो वो और लाभकारी है। हाँ महोदय। तो एक मिनट यहाँ पे मैं एक जगह ढूंढ के यहाँ पे लिख देता हूँ। महोदय कुछ नहीं या दैट नथिंग। कुछ नहीं इज चाय सेकंड चाय आई थिंक महोदय What? चा चा कुछ चा हाँ, छ द महाप्राण छ। I write it in different way, that's why I'm asking. तो हाउ डू यू राइट? यू कैन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। अच्छा दिस इज अच्छा महोदय अच्छा केचन अच्छा न या हिंदी हिंदी में लिखते हैं ना अच्छा उस टाइप ये थोड़ा वाला चाह बोल रहे हो, ये जो मैंने अभी लिखा है केचन में? कुछ में हाँ ना नहीं, कुछ में सेकंड अच्छा है ना सेकंड अक्षर वही अच्छा हाँ, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे लिख के बता दो आप, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। क्योंकि ऐसी कोई कोई अक्षर होते हैं जो प्रिंट में, जब बुक्स में प्रिंट होते हैं तो थोड़े अलग दिखते हैं, और जब हम उसको हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो थोड़े अलग दिखते हैं। महोदय तो आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेजेंगे तो मैं भी देख लेता हूँ कहाँ पे दिख रहा है। हाँ महोदय भेज लिया ग्रुप में डाला हूँ अच्छा ग्रुप में डाला हूँ गुरु जी बैच 2।
हाँ बैच टू। ओ ये वाला अच्छा। हाँ, ये भी होता है कई बुक्स में, प्रिंट फॉर्म में यही वाला मिलता है। हाँ महोदय, इसीलिए डाउट आता है, इसीलिए पूछा। फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। कुछ नहीं के चन्ना, एंड इफ आई पुट अ आ की मात्रा इन दिस तो देन इट बिकम्स छाछ। छाछ। बटर मिल्क। मीन्स बटर मिल्क। हाँ, छाछ इज बटर मिल्क इन हिंदी, पंजाबी, गुजराती। ओके ओके, मुझे पता नहीं था इतना। हाँ, बट दैट इज इन हिंदी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तो अदर लैंग्वेजेस, नॉट संस्कृत। ओके संस्कृत में बटर मिल्क हैज अ डिफरेंट नेम, बट वो जब हम भोज्य पदार्थों के बारे में देखेंगे तब सीखेंगे। अब देखेंगे, हाँ, बाद में सीखेंगे। अभी अस्तु महोदय। अभी पुनः परिचयः पठा पठामः। मम नाम अंशु, अंश भवतः नाम किम्? मम नाम अरुण कुमार। अस्तु। भवतः नाम किम्? मम नाम अंशु, अहम् संस्कृतं पठामि। किं पठसि भवान्? किं पठसि भवान् अरुण कुमारः? महोदय, मम वाणी शुनो शिवा। अरुण जी, मम वाणी शुणोषि वा। महोदय, अरुण जी, मम वाणी शुणोषि वा। आम महोदय, आम महोदय, ड्यू टू सम नेट प्रॉब्लम्स इट हैज बीन डिस्कनेक्टेड महोदय। आम महोदय, अस्तु अस्तु। तो मम प्रश्नः, अहं संस्कृतं पठामि, किं पठसि त्वम्? मीन्स माय क्वेश्चन इज, इट मीन्स मम महोदय। अहम्, सी, मम मीन्स माई, मी मेरा, माय राइट? माय If I want to या say I, for example, in this statement, अहम I am studying अहम Sanskrit. So, अहम संस्कृतम पठामी. अहम संस्कृतं पठामि। Correct. So, this is I. मैं. पठामि मे। मम मीन्स माय। हाँ. तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड. आई इज, यू हाँ कैन से आई इज द मूल शब्द
और उसका ही आई माई मी, अम्म सा सब कुछ है। मी तो ऐसे मी 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 को क्या कहते हैं मी संस्कृत भी में? इसमें अहम ही होता है। अहम ही होता है। ओके हाँ अहम ही होता है। अहम मी। अस्त महोदय। अस्तु तो किम पठसि भवान, भवान इज विथ किम रिस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट? भवान ओके तो किम भवान या भवती दोनों में से डिपेंडिंग ऑन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग? ओके किम पठसि भवान मतलब किम इस किसे पढ़ा रहे हो? मीन्स नो। नो किम मीन्स क्या, व्हाट, ओके वी हैव ओके किम जस्ट यूज्ड मीन्स इट राइट, व्हाट? भवतः नाम किम, वी जस्ट यूज्ड इट रिमेम्बर इन आस्किंग द नेम। किम मीन्स व्हाट? पटसी भवान क्या पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो? ओके पढ़ा रहे हो में उल्टा हो जाएगा, बिकॉज शिक्षक पढ़ाता है लेकिन विद्यार्थी पढ़ते हैं राइट। तो पढ़ में ओके आ की मात्रा लगा दी तो वो शिक्षक का रोल हो जाए, शिक्षक का काम हो जाएगा, और यदि आ की मात्रा नहीं है हाँ हाँ तो वो अंतर है। What you are studying? हाँ तो किम पठसि त्वम, यदि कोई हमारे बराबर का है या हमसे छोटा है तो हम उसको ऐसे तुम बोल सकते हैं, पर फर्स्ट इट इज बेटर टू लर्न विथ रिस्पेक्ट, तो हम वाला यूसेज है जो है आप बाद With में समझ respect, सकते हैं। भवान। हाँ तो भवान या भवती डिपेंडिंग ऑन बॉय है कि गर्ल है जिससे आप पूछ रहे हैं। तो किम पठसि भवान, किम पठसि भवान, महोदय? फिर से गया क्या किम इंटरनेट। पठति भवान? महोदय अरुण जी आपको आवाज आ रही है? महोदय महोदय क्षमा करें महोदय, थोड़ा नेट हाँ प्रॉब्लम, इंटरनेट बार बार जा रहा है आ रहा है। ये गांव में ऐसा ही होता है, क्या करना। कैन यू हियर? ओके क्षमस्व महोदय। और गौशाला एरिया में गोशाला मीन्स मालूर? मालूर, हाँ नहीं मैं आंध्रा में अब हूँ। आंध्रा हमारा गांव, ओ वो आप कोला उधर। सिटी, सिटी में थोड़ा सिग्नल स्ट्रेंथ होता है, इधर गांव में थोड़ा कम कर देते हैं लोग, इसकी वजह से घर के अंदर नहीं आता ओके तो बाहर। में हो मतलब वो त्रिचूर के पास में आपने बताया था ना, पुंगनूरु? पुंगनूरु चित्तूर? पुंगनूर। चित्तूर हाँ पुंगनूर। अभी मुझे पुंगनूर से याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट काउ पुंगनूरो काउ इज फ्रॉम योर हाँ प्लेस कवि ओनली। से। हाँ दैट इज सच अ महोदय ब्यूटिफुल काउ, इतना छोटा सा होता है, वेरी लिटिल एंड वेरी क्यूट। हाँ महोदय। हाँ तो मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन आपको दिख रहा है ना। हाँ आप दिख रहे हैं महोदय। ओके तो अहम संस्कृतम पठामि, भवान किम संस्कृतम पठसि। हाँ संस्कृतम पठामि। अस्तु, तो
when you are saying only about yourself, then you will say संस्कृतम पठामी या फिर अहम संस्कृतम पठामी, तो उससे पता चल जाएगा कि आप सिर्फ आप संस्कृत पढ़ रहे हैं. अहम पर मान लो एक से ज्यादा लोग होते, दो से ज्यादा लोग होते, या फिर वो हम एक क्लास में होते तो ज्यादा लोग होते तब. हाँ तब I could say भो छात्र अरुण कुमार एवं राहुल एवं राहुल राहुल मीन्स कोई भी दूसरा लड़का होगा जिसका नाम राहुल है. ओके 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 राहुल ओके सॉरी गुरुजी राहुल राहुल भी अकारांत है ना, अकारांत पुल्लिंग अकारांत इसीलिए हाँ वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. हाँ महोदय अहम लिखामि संस्कृतम अहम लिखामि किम लिखासि त्वम किम लिखासि लिखासि त्वम. इसका मतलब किम व्हाट यू आर राइटिंग किम लिखासि त्वम महोदय. अहम लिखामि संस्कृतम आर यू एबल टू राइट डाउन आल्सो. आम महोदय संस्कृतम अस्तु महोदय डन. ओके डन महोदय किरोसि किम किरोसि शिक्षिका शिक्षकः शिक्षिका शिक्षिकः किम करोसी मतलब क्या होता है महोदय. महोदय किम करोसी मतलब व्हाट आर यू व्हाट डूइंग. ओके व्हाट डू यू डू और व्हाट आर यू डूइंग. किम करोसी मींस करोसी what are you doing. okay amade bhavan patasi sanskrutam mama mera. okay aham vadami bolna aham vadami sanskrutam aham vadami vadami sanskrutam. संस्कृतम हाँ महोदय लिख दिया. महोदय मम वाणी शृणोसि वा महोदय. हेलो हाँ अरुण जी आवाज नहीं आ रही के बीच बीच में. नहीं नहीं कुछ सुनाया नहीं दे रहा था इसीलिए. ठीक है महोदय अब सुनाया दे रहे हैं. लिख लिया महोदय सभी.
अहम वदामि संस्कृतम, मैं संस्कृतम बोलता हूँ। ठीक है महोदय। महोदय हेलो हेलो महोदय अरुण जी, महोदय, आपका बैकग्राउंड वॉइस सभी सुनाई दे रहा है, वो साउंड सभी आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा मेरे इधर तो कोई बैकग्राउंड वॉइस है ही नहीं एक्चुअली, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी देखते हैं, हाउ अबाउट नाउ, अभी कैसा लग रहा है, अभी हाँ कुछ बच्चा, बदला? रहे मुझे लगता है मेरा ही प्रॉब्लम होगा महोदय, नहीं, क्षमा किसी का भी हो सुनादे। सकता है। मेरा अभी तक इसमें ब्लूटूथ कीबोर्ड का एक डोंगल होता है ना, वो भी लगा हुआ था, तो वो डोंगल हाँ हटाने से भी वो बैकग्राउंड नॉइस चली गई, तो हाँ महोदय, समटाइम्स दैट कैन हैपन आल्सो। महोदय लिख लिया सा वो किम करोसी भगवान पढ़े से संस्कृतम। इदानीं भगवान प्रश्नः कुरु, इदानीं तो इदानीं का मतलब है अभी, अभी हमने कल भी नाउ लिखा था, ये नाउ लिखा है ना, हाँ कर गया था। इदानीं मतलब अब या अभी। इदानीं पठसि संस्कृतम्। हाँ, तो इदानीं पठामि, यदि आप खुद के लिए कह रहे खुद हैं बोल रहे हैं पठन। हाँ। इदानीं पठामि संस्कृतम्। पठामि पठामि संस्कृतम्। हाँ आम महादेव। उत्तमम्। अहम् इदानीं अहम लिखानीं संस्कृतम्। किम लिखसि भवान अरुण महोदय? किम लिखति भवान? अहम संस्कृतम्। अहम लिखामि संस्कृतम्। हाँ, आम उत्तमम्। नाउ, संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप किसी भी शब्द को कहीं भी लिख सकते हैं, हाँ महोदय शायद सुना आपको मालूम आपका। होगा। हाँ सभी लेके लास्ट में अस्ति सभी आता है, इज लाइक दैट। हाँ, वो एक यूजफुल चीज है अस्ति, पर जैसे अभी हमने जो वाक्य उपयोग किए हैं उनमें अस्ति नहीं आता, तो लेकिन हाँ आप किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, तो मतलब सीक्वेंस जो क्रम होता है ना, जैसे अहम लिखामि संस्कृतम, या फिर अहम हम संस्कृतम संस्कृतम लिखामि, लिखामि। या फिर संस्कृतम अच्छा लिखामि अहम, या फिर लिखामि हाँ अहम संस्कृतम, इनमें से कुछ भी बोलेंगे सब सेम है। हाँ हमारे इसको भी लिख सकते क्वेश्चन, किम त्वम लिखसी। हाँ, सेम वही है, उसका भी मीनिंग वही ओके है एक एडवांटेज है गुरुजी। बहुत ही। तो इसीलिए अभी आपने ये पिक्चर देखा होगा, कल मैंने बनाया तो था, बना के रखा था, पर तब हम नारी इसके ऊपर बात नहीं हुई। हाँ देखा महोदय। जो ये नासा है और भी कई वैज्ञानिक हैं जिन लोगों को समझ में आया कि संस्कृत जो है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए हाँ सबसे अच्छी संस्कृतम यूज भाषा है। कर रहे हैं हाँ, क्योंकि वो लोग कुछ बिकॉज वर्ड्स वो भेजते हैं हाँ वो स्क्रैम्बल वो रिवर्स हो जाता है, और मतलब उसका उल्टा कुछ हो भी जाता उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, कुछ एक पैकेट है। पहले हाँ हाँ पहुंचता है, एक बाद में पहुंचता है, तो वो कुछ भी हो फास्ट। जाता है। इफ दे हाँ आर सेंडिंग इन संस्कृत देन इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। इट विल आल्सो गिव सेम मीनिंग ऑलवेज। हाँ, तो और भी कई वैज्ञानिक इसके लिए बहुत उपयोगी मान रहे हैं संस्कृत को, क्योंकि इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, तो हाँ महोदय बहुत ही बढ़िया चीज है। यस महोदय। तो अब देखिए, ये दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है।
जब हमने भवतः नाम किम पूछा था तो भवतः का अर्थ है आपका। आपका ओके ओके जैसे मम का अर्थ था मेरा, तो ये मेरा। भी वही पजेसिव शब्द है मेरा मम, वैसे ही भवतः या भवत्याः इज आपका, आप जो भी आप सामने वाला जो भी है। ओके। और उसी प्रकार अभी हम जो ये भवान और भवती उपयोग कर रहे हैं, किम लिखसी भवान या किम लिखसी, किम पठसी भवती, भवती, तो इसका अर्थ है आप। आप तो ये पजेसिव नहीं है, इट इज जस्ट सेइंग कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका जैसा उपयोग नहीं है। करेक्ट। यस महोदय। व्हेन यू हैव टू से योर्स, योर और आपका, योर्स, तब भवतः या भवत्या आएगा। योर्स ठीक है। हाँ महोदय आपका। ओके भवतः भवत्या आपका करो सी महोदय। और सिर्फ आप उपयोग करना है, तब भवान या भवती। तो आप त्वम, हाँ आप त्वम नहीं है, त्वम जो है वो है तुम, तो त्वम इज विदाउट रिस्पेक्ट। तो व्हेन यू, त्वम इज ओके व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड और यू आर टॉकिंग टू समबडी यंगर देन यू, तब त्वम चलेगा। बट भवान भवती आप उपयोग करेंगे तो वो किसी के लिए भी चलेगा फिर। रेस्पेक्ट, हाँ बड़ा हो छोटा हो बराबर सभी के लिए चल जाएगा। तो भवान भवती के साथ सीखना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है या। हाँ महोदय। भवान पठसी संस्कृतम वा, आम महोदय। उत्तमम उत्तमम, संस्कृत उत्तमम, उत्तम भाषा अस्ति 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 महोदय। आम महोदय। किम लिखसि भवान, संस्कृतम उत्तम भाषा अस्ति। हाँ अस्ति मीन्स है, तो संस्कृत उत्तम भाषा है। है है ठीक है महोदय। किम लिखसि भवान, आम लिखसि संस्कृतम महोदय। पुनः अहम लिखसि संस्कृतम महोदय। लिखति कब आता है? लिखामि, सॉरी क्षमस्व महोदय, लिखामि लिखामि संस्कृतम। जब भी आप अहम के साथ उपयोग कर रहे हैं तब लिखामी पठामी ऐसे आएगा, है ना? और हमेशा उसको याद कर सकते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामी, तो उससे याद आ जाए, याद आ सकता है आपको। हाँ महोदय। किम वदसि त्वम और किम वदसि भवान, व्हाट आर यू टॉकिंग। हाँ ओके। अहम् अहम् संस्कृतं वदामि। उत्तमम्। अब ये थोड़ा सा अंतर है कि जब भी हम भवान या भवती का उपयोग करते हैं तब वो वदति हो जाता है, तब वदसी नहीं रहता। वदति, हाँ, तो वदति नॉर्मली हम थर्ड पर्सन के लिए उपयोग करते हैं, जिसको हम संस्कृत में और हिंदी में प्रथम पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष सुना है आपने? हाँ महोदय। आ फर्स्ट पर्सन। हाँ प्रथम पुरुष, असल में प्रथम पुरुष इंग्लिश का थर्ड पर्सन है। हाँ महोदय। महोदय आम। और उत्तम पुरुष जो है वो फर्स्ट पर्सन।
वेट आपको आवाज आ रही है क्या? मोहनिश नो सेवा हाँ भवतः वाणी महोदय आम आम भवतः वाणी श्रुणोमि मम जवनिका पश्यति पश्यसि वा पच्छति महोदय पश्यामि जब आप खुद के लिए बता रहे हैं तब पश्यामि बोलना होगा ना लिखामि पश्यामि वदामि हाँ पर ठीक है ये चीजों की धीरे धीरे आदत होएगी अभी हमारी कक्षा में ज्यादा लोग जब आते हैं तब और आनंद आता है आज आप ऐसा कीजिएगा कि 7 बजे भी क्लास है 7 o'clock दैट इज फर्स्ट बैच अभी ये जो ग्रुप है दिस इज बैच 2 राइट तो फर्स्ट बैच की भी क्लास है तो आप उसमें भी आ सकते हैं तो उसमें भी थोड़ी लर्निंग हो जाएगी बिकॉज उसमें अभी थोड़ा फर्स्ट बैच का फर्स्ट बैच का कब है महोदय 7 PM 7 PM ओके महोदय तो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप के ग्रुप में तो आप वो वाला भी अटेंड कर लीजिए तो आपको यूजफुल होगा हाँ महोदय क्योंकि उसमें क्या है कम से कम 3-4 लोग रहते हैं वो कक्षा में तो फिर सबके साथ बात करने में संस्कृत में मैं बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रश्नोत्तर खेल खिलवाता हूँ तब फिर आपको आनंद भी आएगा और मम वाणी श्रणोसि मम वाणी श्रणोसि महोदय क्षमस्व आम आम क्षमस्व महोदय भवतः वाणी श्रुणोमि तो अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ ना भवतः वाणी उसका अर्थ है आपकी या आपका जो हमने पहले भी देखा था ना भवतः या भवत्या मीन्स आपका या आपकी ऐसे बोल सकते हैं तो इसलिए भवतः वाणी श्रुणोमि कि आपकी आवाज मुझे आ रही है अस्तु महोदय भवतः वाणी श्रुणोमि भवतः वाणी सो ये श्रुणोमि जो है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है आपने कल देखा होगा उसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं यहाँ ऊपर हमने लिखा है मम वाणी श्रुणोसि वा आम अहम श्रुणोमि या फिर आप ये बोलना चाहते हैं कि अभी सुनाई आ रही है इसका अर्थ है कि थोड़े देर पहले शायद नहीं आ रही थी पर अभी आ रही है तो आप बोल सकते हैं अहम श्रुणोमि इदानीम मतलब नाउ इट इज कमिंग बट बिफोर इट वाज नॉट देयर प्रोबेबली नाउ आई कैन हाँ सो इदानीम मीन्स नाउ ओके महोदय अस्तु महोदय हम शृणोमि इदानीम शृणोमि इदानीम हाँ महोदय उत्तमम तो अहम प्रश्नम पृच्छामि उत्तरम वदतु हम प्रश्नम अहम प्रश्नम पृच्छामि आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन पृच्छामि मींस आस्किंग हाँ आई विल आस्क यू पृच्छामि उत्तरम वदतु अरुण कुमार महोदय किम करोसि भवान किम करोसि त्वम महोदय किम करोति भवान अहम संस्कृतम लिखामि
उत्तमम उत्तमम संस्कृतम लिखा लिखति लिखसीवा लिखसीवा इट्स अ क्वेश्चन टू मी हाँ नो आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि हाँ लाइक यू सेड ना हम संस्कृतम लिखामी तो आई एम राइटिंग संस्कृत तो आई एम आस्किंग कि ओ संस्कृतम लिखसी वा मींस आई एम करोमी हाँ तो आई एम जस्ट आस्किंग अगेन कि ओ आर यू स्टडिंग आर यू राइटिंग संस्कृत तो यू कैन सिंपली से आम आम संस्कृतम लिखामी It's like our normal conversation. You, when you are talking to a friend, how will you say, he's going to ask you, what are you doing? So you tell him, I am Sanskritam Ligami or I am Sanskritam Pathami. So he will wonder na, sometimes, oh, Sanskritam Pathasi. Wow. That way. Oh, Sanskritam Pathasi. Okay. Okay. You're just confirming again ki, oh are you studying Sanskrit like we talking with friends right yes so then you can say ki aham sanskritam pathami aham sanskritam likhami aham sanskritam vadami so all three will come pathami likhami vadami so normally pathami covers everything because pathami means you are studying Sanskrit so study will include reading also writing also listening also speaking also so everything will come but if you want to specifically say ki I'm writing I'm speaking so you can use that other words also likhami pathami vadami pathami महोदय तो अस्तु 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 महोदय तो किं पदासि त्वं क्या पदासि अभी आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम किसी को सम्मान से हम पूछने चाहते हैं कि अरुण महोदय सर हम मम वाणी श्रणोसी वा तो हम महोदय या महोदया लगा सकते हैं साथ में सम्मान के लिए महोदय और उसी के लिए एक और है श्रीमान श्रीमान और मान्य श्रीमान तो मान्य और महोदया ये दोनों स्त्रीलिंग हैं ठीक है और श्रीमान और महोदय श्रीमान पुल्लिंग मान मान्य इस स्त्रीलिंग हाँ तो आप यदि किसी महिला से यदि पूछ रहे हैं कि मान्य किम करोसी भवती तो तब आप मान्य बोल सकते हैं और यदि किसी पुरुष से बोल रहे हैं तब आप श्रीमान बोलिए श्रीमान किम करोति भवान या जो भी आपको प्रश्न करना है आम महोदय तो अब मैं एक और सरल सा प्रश्न पूछता हूँ आप उसका उत्तर आप उसका उत्तर आराम से दे पाएंगे सरलता से दे पाएंगे अस्तु तो भवतः नाम अरुण कुमार हवा आम महोदय भवतः नाम चारुलता मम नाम अरुण नाम महोदय हाँ नाम महोदय मम नाम अरुण कुमार अरुण कुमार भवान कुत्र वसति वसति where do you live where do you of course I understand गुरुजी answer अहम
हम आंध्र प्रदेशानाम आंध्र प्रदेशे आंध्र प्रदेशे वसामि। लास्ट असामी असामी हाँ, या फिर ठीक आपको है। आपका नगर का नाम बोलना है तो आप नगर का नाम भी बोल सकते हैं कि अहम चित्तूर नगरे वसामी, या फिर अहम पुंगनूर नगरे वसामी। अच्छा नगर हाँ का भाई नाम बोलना है तो नगर का नाम बोल के साथ में नगरे लगा दीजिए, तो नगरे नगरे आंध्र प्रदेशे उसका मतलब है कि उसमें या उसके ऊपर। तो में एंड पर, ऑन और इन दोनों के लिए सेम ओके विभक्ति उपयोग होती है, नगरे या प्रदेशे। इन ऑन ओके प्रदेशे नगरे हाँ, हाँ महोदय तो अहम भारत देशे वसामी, वसाम अहम महाराष्ट्र राज्ये वसामी। वसामी अहम बेंगलुरु वसामी बेंगलुरे वहां वसामी हाँ, बेंगलुरु भी बोल सकते हैं या बेंगलुरु नगरे, तो बेंगलुरु नगरे 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 साथ में नगरे लगा दीजिए, वो ज्यादा इजी होता है। इजी वहां ओके क्योंकि अस्त महोदय ये जो ए लास्ट में लगाते हैं ना, ये सिर्फ अकारांत शब्दों के अंत में लग सकता है। ओके तो जैसे अस्तु पुंगनूर है तो पुंगनूर के अंत में पुंगनूरे हो सकता है, आंध्र प्रदेश में प्रदेशे हो सकता है, पर बाकी शब्दों में नहीं हो सकता। तो उतना दिमाग लगाने से अच्छा है बेंगलुरु और जो नेम ओरिजिनल देखिए नाम है वो नगर बोला, फिर नगरे लगा दीजिए तो नगर हाँ सरल हो महोदय जाएगा। अस्तु महोदय हाँ, और वैसे ही जब हम राज्य का नाम ले रहे हैं तो भी आप राज्य अंत में बोल दीजिए, तो फिर कोई भी राज्य का नाम हो वो सब चलेगा। कर्नाटक राज्य या आंध्र तमिलनाडु प्रदेश राज्य या महाराष्ट्र राज्य, तमिलनाडु राज्य, तो सब में राज्य लगा दिया तो वो यूनिवर्सल यूज हो जाएगा। हाँ महोदय और देशे मीन्स देश कंट्री भारत देशे। देशे भारत देशे असामी तो आप ऐसा भी बोल हाँ सकते हैं, महोदय अहम भारत देशे आंध्र प्रदेश राज्ये पुंगनूर नगरे वसामि। असामी भारत देश के महोदय अंदर, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, पुंगनूर नगर अंदर के अंदर पुंगनूर रहता हूँ। असामी रहता हो अस्त महोदय उत्तमम। तो अद्य इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि, अभ्यासं कुरु। सप्तवादने कक्षा अस्ति, 7 o'clock। तो लिंक प्रेषयिष्यामि। आम महोदय धन्यवाद महोदय नमो नमः नमो नमः। अरुण कुमारः महोदय, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः महोदय महोदय नमो अस्तु अस्तु, नमः महोदय नमो नमः। अस्तु